एक बार रिकग्निशन मिलने के बाद, अचीवमेंट के बाद, उसके बाद तो सब लोग आ जाते हैं रिकग्निशन देने के लिए, लेकिन उनका जो संघर्ष होता है, जो अभी डिविज ने बताया कि 25 साल तक उन्होंने संघर्ष किया, उस संघर्ष के वक्त ना सरकारें होती है और ना सिस्टम होता है, इसको हमें बदलना है। आज हमने डिविज को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी है। उन्होंने जो हासिल किया और जो देश का नाम रोशन किया वो इतनी बड़ी बात है कि 1 करोड़ रुपया उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे उनको आगे और बड़ी ऊंचाइयां हासिल करने में मदद मिलेगी। पहले दिल्ली सरकार 20 लाख रुपए दिया करती थी, इसको हमने बढ़ा के 1 करोड़ किया है। इसको बढ़ाने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ा अंदर, ये मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं। जितना 25 साल का संघर्ष डिविज आपने किया, मैंने उतना तो नहीं किया, लेकिन उससे कम संघर्ष भी नहीं किया हमने स्पोर्ट्समैन की पॉलिसी बनाने के लिए। मैं भी कुछ दिन पहले कुछ स्पोर्ट्समैन के विचार पढ़ रहा था जिसमें उनको दिल्ली सरकार से थोड़ी निराशा थी। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि पिछले 3-4 साल में जब से दिल्ली में हमारी सरकार है, जिस किस्म की कठिनाइयां हम लोग रोजमर्रा एक एक फाइल के अंदर, एक एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक एक एक्टिविटी के अंदर, जिस किस्म की अड़चने और जिस किस्म की ऑब्स्टेकल्स हम लोग फेस कर रहे हैं, वो बयान नहीं की जा सकती। मुझे नहीं लगता आजादी के बाद किसी भी सरकार ने इस किस्म की अड़चने कभी भी फेस की होंगी। उसके बावजूद, इतनी अड़चनों के बावजूद, पिछले 3-4 साल के अंदर जो दिल्ली सरकार ने काम किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी स्कूलों का आज पूरी दुनिया के अंदर नाम हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल, नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ मॉडल है। बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, और अभी आप लोगों ने सुना होगा होम डिलीवरी शुरू हुई है गवर्नमेंट सर्विसेज की। कभी सुना था जिंदगी में गवर्नमेंट सर्विसेज की होम डिलीवरी? कोई सोच भी नहीं सकता था। होम डिलीवरी शुरू हुई है गवर्नमेंट सर्विसेज की। इसमें पिछले 1 साल से इस फाइल को क्लियर कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं हम लोग, पिछले 1 साल से। मैं सोचा था अगर हमारी पूरी पावर होती, 3 दिन का काम था यह फाइल क्लियर करना, 3 दिन का काम था, जो 3 दिन के अंदर फाइल क्लियर होनी चाहिए थी। 1 साल हो गया हमको जूझते जूझते। मोहल्ला क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं, हमारा सपना है। पूरी दिल्ली का एरिया हमने प्लान किया हुआ है, 1500 स्क्वायर किलोमीटर है। 1000 मोहल्ला क्लिनिक अगर हमने बना दिया तो हर 1.5 किलोमीटर के ऊपर दिल्ली में आपको एक मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा, हर 1.5 किलोमीटर पे। तो इसका मतलब आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, पूरी दिल्ली में आपके वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर एक मोहल्ला क्लिनिक होगा। यह बड़ी बात है, और मुझे खुशी तब मिली। मैं अगर अपनी बढ़ाई करूं तो अलग बात है। मैं भी थोड़े दिन पहले, मेरे को ग्रेटर कैलाश की आरडब्ल्यू वालों ने बुलाया था, उनका कोई एनुअल प्रोग्राम था, 5-6 आरडब्ल्यू ग्रेटर कैलाश की इकट्ठी हुई थी। जीके तो बड़ा पॉश एरिया माना जाता है, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया जीके माना जाता है। उसके अंदर मुझे जान के बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज ये हुआ, उन जीके वालों ने अपने संबोधन में, आरडब्ल्यू वाले जब अपनी समस्याएं रख रहे थे, उन्होंने कहा जी हमें 2 मोहल्ला क्लिनिक चाहिए। इतने अमीर लोग सरकारी डिस्पेंसरी की मांग कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक क्या है, सरकारी डिस्पेंसरी है? कल तक लोग सरकारी डिस्पेंसरी में जाना नहीं चाहते थे। आप जब सरकारी डिस्पेंसरियों में जाते थे, दीवारें टूटी होती थी, वहां पे कोई इक्विपमेंट काम नहीं करता था, दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर नहीं आता था, नर्स नहीं होती थी। आज ग्रेटर कैलाश के लोग दिल्ली सरकार से कह रहे हैं जी हमें 2 मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है।
तो दोस्तों इस तरह से मोहल्ला क्लिनिक जिसको देखने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं, हम 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे। पहले 4 महीने जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने 4 से 6 महीने के अंदर 150 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। उसके बाद इन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दिया हमको। आज 3 साल हो गए उसके बाद, पहले 6 महीने में 150 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, बजट पास कर दिया 1000 मोहल्ला क्लिनिक का, लेकिन अगले 3 साल तक वो फाइल लेके बैठे रहे, उन्होंने एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने दिया। अब जाके किसी तरह से ये सोमनाथ भारती, मदन लाल जी, अजय दत्त, ये जितने MLA बैठे हैं, ये जाके फिर LG साहब के घर में धरने पे बैठ गए, उनसे फाइल क्लियर करा के लाए हैं। अब मुझे उम्मीद है आने वाले 6 महीने के अंदर आपके 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनके तैयार हो जाएंगे 6 महीने के अंदर।